हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पुरस्कार और सम्मान 2023 के बारे में कि किसको 2023 में पुरस्कार और सम्मान दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ ऐसे पुरस्कार हैं जो 2022 में उनको मिलना था लेकिन 2023 में दिए गए हैं। कुछ पुरस्कार ऐसे हैं जो 2023 में ही मिलना था और उनको दे भी गए हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से पुरस्कार 2022 के 2023 में दिए गए हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होने वाला, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं आप लोग से कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं 2023 में। चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख लीजिए, पहला जो पुरस्कार है ये है 32वां GD बिरला पुरस्कार 2022। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को दिया गया है। 2022 का पुरस्कार है लेकिन 2023 में दिया गया है। 32वां GD बिरला पुरस्कार 2022 आप लोग से पूछा गया किसको दिया गया, तो प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को दिया गया है। अगला जो अवार्ड है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर प्रभा अत्रे को, इसको डॉक्टर प्रभा अत्रे को जो यह अवार्ड दिया गया है। अगला है फेडरल बैंक लिटरेटी अवार्ड 2022, यह KQ वेणुगोपाल, किसको, KK वेणु को दिया गया है। ओनरशिप थिंकिंग कथा के लिए दिया गया है इनको अवार्ड। अगला है डॉक्टर पंतंग राव कदम मेमोरियल सम्मान आदर पुनावाला को दिया गया। कौन है, आदर पुनावाला, जो सीरम इंस्टीट्यूट के CEO है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला जो अवार्ड है यह सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन 2022 किसको मिला है, अस्का पुलिस स्टेशन जो गंजाम उड़ीसा में है। कहाँ पे है, उड़ीसा में। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड 2022 में दिया गया है अस्का पुलिस स्टेशन गंजाम उड़ीसा को। अगला है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022, यह सुनील कृष्णन को दिया गया है। किसको, सुनील कृष्णन को। इनको दोनों तो आप लोग जरूर याद कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन 2022 और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 सुनील कृष्णन। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला जो अवार्ड है FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023, यह वीके पंडियन को दिया गया है। और ओडक्कुलम पुरस्कार ये अंबिका सुधन मांगड़म प्राणु वायु के लिए यह अवार्ड दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 जो है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उड़ीसा और लंगलेई फायर स्टेशन को मिजोरम को यह पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये दिया गया है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उड़ीसा और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को यह संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड जो 2023 में दिए गए अभी तक जनवरी में, और अवार्ड जो दिए जाएंगे आप लोग को अपडेटेड वीडियो आती रहेगी। तब तक आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।